मैं हमेशा बोलता हूं जब बच्चे मुझसे बोलते हैं टाइम मैनेज कैसे करें, मैं कहता हूं टाइम मैनेज मत करो, टाइम मैनेज मत करो, लाइफ मैनेज करो। आप सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी सारी चीजें अपने आप मैनेज हो जाएगी। ये सब कहां से लाते हो किताबी शब्द, आप कहां से सुने हैं आपने? चलो ना सच्चे से, सच्चे दिल से बात करते हैं। ये कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी भाषा है, इस भाषा में कौन बात करता है? हाँ, ये सब शब्द कहाँ से सीख लिया आपने? टाइम मैनेज कैसे करें, कॉन्सेंट्रेट कैसे करें, रिविजन कैसे करें, बैकलॉग कैसे दूर करें, ये सब शब्दावली आपने कहाँ से सीख लिया भाई? बचपन से हमें एक ही चीज़ सिखाई गई है, जम के मेहनत करना। वॉट इज टाइम मैनेजमेंट बेटा? आप पढ़ाई करो, अपने आप समय मैनेज हो जाएगा। जब आपके घर में किसी आपके भाई बहन की या आपके किसी बहुत ही खास रिश्तेदार की, आपके फर्स्ट कज़न की, आपके किसी बड़े भैया की शादी होती है, आप टाइम मैनेज करते हो क्या? क्या उस टाइम आप मैनेज कर रहे होते हो कि मैं कितने घंटे सोया हूँ, मैंने दोपहर का खाना कब खाया है? कुछ नहीं। आप जोर शोर से उस शादी की तैयारी में लग जाते हो। जब भी कोई उत्साह का दिन होता है, आपका जन्मदिन होता है, मान लो आपके जन्मदिन की बहुत बड़ी पार्टी है, कुछ भी हो सकता है, आप शाम को आपके मोहल्ले में कोई क्रिकेट का गेम होने वाला है, क्या उस दिन आप टाइम मैनेज करते हो? कुछ नहीं करते हो। आप सोचते हो कि वो चीज़ चीज़ है, वो जो होने वाला है इवेंट, वो जो शादी होने वाली है, वो जो क्रिकेट का गेम होने वाला है, वो जो मैं मूवी देखने जाने वाला हूँ, वो कैसे सबसे बेहतरीन होगा, मैं कैसे सबसे बेस्ट दिखूंगा, बाल कहाँ कटवा लूँ मैं, किस तरह से जल्दी से दौड़ के चला जाऊँ वो बगल वाले नाई भैया के पास और अपने बाल कटवा लूँ और एकदम बेहतरीन दिख जाऊँ मैं, कैसे मैं फेस वॉश से जल्दी से या साबुन से जल्दी से, साबुन से ही मुँह धुलते हैं, फेस वॉश तो सब पैसे आने के बाद आता है जीवन, साबुन से कितनी बार मैं 3 बार मुँह धुल लूँ साबुन से, जल्दी से मैं बाल धुल लूँ, एकदम राजा बेटा बन के शादी में चला जाऊँ। क्या आप समय मैनेज करते हो? सच बताना, नहीं करते ना, नहीं करते आप समय मैनेज। उस समय तब तो आप ये सब सवाल नहीं पूछते ना बेटा, अब क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि जाहिर सी बात है कि पढ़ाई कहीं ना कहीं आपको बोरिंग लगती है। और मैं कहता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी और पढ़ाई दोनों अलग अलग चीज है। मतलब ज्ञान लेना एक चीज है और जो अभी आप कर रहे हो, ज्ञान लेके कॉम्पिटिशन में बैठना, कॉम्पिटिशन के हिसाब से पढ़ना, उस कॉम्पिटिशन को क्वालिफाई करना, दोनों में बहुत अंतर है। ज्ञान लेना, शिक्षा लेना, ये बोरिंग नहीं है, ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको उस गति से ज्ञान मैं देता हूँ। पर अभी उस गति से कहने का मतलब, मैं आपको आराम आराम से चीज़ें बताता हूँ। मैं एक दिन आऊँगा, एक दिन आपके मैं आपको बताऊँगा कि वेलोसिटी क्या होती है, दूसरे दिन भी वेलोसिटी के बारे में बात करूँगा, स्पीड के बारे में, गति के बारे में आपसे 3-4 दिन आपसे चर्चा करूँगा, आराम से आपको पढ़ाता। मैं आपको आराम से आके बताता कि पृथ्वी कैसे गोल गोल घूम रही है, कैसे सूर्य के चक्कर काट रही है, केपलर के नियम क्या कहते हैं, केपलर कहाँ से आए हैं, और बड़े ही दिलचस्प तरीके से हम लोग ज्ञान को लेते, बड़ा मज़ा आता। पर हुआ क्या, इन सब के बीच में एक IIT की परीक्षा आ गई जो कहती है कि उतने ही समय में अब आपको इतना सारा ज्ञान देना है, सवालों की भी प्रैक्टिस करनी है। तो उस समय पर क्या हुआ कि वो पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग नहीं बची। पर मैंने कहा ना, अगर आपको सच में लाइफ में बड़ा इंसान बनना है, आपको कुछ सच में बड़ा अचीव करना है, तो आपको उतने ही समय के अंदर उस बोरिंग चीज़ को रोज करना पड़ेगा। बस यही इसका सलूशन है। ये सब शब्द कहीं नहीं होते, टाइम मैनेज करना है, बैकलॉग मैनेज करना है।